हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेंटर स्पेस के यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी 2023 का जो एग्जाम साइकिल है दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीट इन फ्यू डेज। 30 जुलाई को फेज टू है आरबीआई ग्रेड बी 2023 एग्जामिनेशन। आफ्टर द फेज टू ऑफ एग्जामिनेशन रेगुलेटरी बॉडीज के जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो नबार्ड ग्रेड ए 2023 एग्जामिनेशन को टारगेट करने वाले हैं। सिंस जो इसका नोटिफिकेशन है दैट इज गोइंग टू बी आउट एनी टाइम soon and we are expecting to out the notification of NABARD grade A 2023 in the month of August itself। theek hai dosto, to aaj is video mein hum discuss karne wale hain that what should be your approach to read this ESI subject since NABARD mein jo pattern hai to phase 1 as well as phase 2 dono mein ESI ka ek important role hai। phase 1 mein merit section mein ESI ek important subject hai aur around 40% of merit section phase 1 is ESI subject, ठीक है? और phase 2 में जो है आपका ESI और ERD का एक descriptive paper होता है, उसका एक important part जो है वो खुद एक ESI है, ERD के अलावा, ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं that what should be your approach for NABARD grade examination for ESI subject particularly, ठीक है दोस्तों? बात कर लें दोस्तों prelim exam की, phase 1 exam की NABARD grade के। NABARD grade के phase 1 exam में total 8 subjects होते हैं जिन पे फेज वन का एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 5 सब्जेक्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन दैट इज रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट एंड डिसीजन मेकिंग। नाउ ऑल दीज 5 सब्जेक्ट्स आर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स। क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि इनमें आपको एक मिनिमम कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप में आपका इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में एक मिनिमम कट ऑफ क्लियर नहीं होता है तो आप जो है इस फेज वन एग्जामिनेशन से आउट हो जाएंगे, ठीक है? बात कर ले मेरिट सेक्शन की। अब मेरिट सेक्शन क्या होता है, इन 3 सब्जेक्ट्स को मिला के मेरिट सेक्शन बनाया गया, ठीक है? मेरिट सेक्शन का मतलब ये है कि आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो इन 3 सब्जेक्ट्स के बेस पे होएगा, बट आपको जो है इन क्वालिफाइंग सेक्शन, इन क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स को भी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? तो दिस इज द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अब बात कर ले इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज जो है फेज वन में आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं दैट आर आउट ऑफ 40 मार्क्स। सो 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके फेज वन एग्जामिनेशन, और आपको जो मेरिट सेक्शन है टोटल वो होगा 100 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं कि 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इज फ्रॉम ESI, ठीक है? अब बात कर लें अपने फेज टू एग्जामिनेशन की। सो फेज टू जो आपका मेन एग्जामिनेशन है NABARD ग्रेड ए का, उसमें इंग्लिश के साथ साथ ESI और ERD का एक पेपर होने वाला है। सो ऑल इन ऑल 2 पेपर होने वाले हैं। तो अब ESI और ERD में ऑब्जेक्टिव के 30 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के, ठीक है दोस्तों? और डिस्क्रिप्टिव जो टाइप होता है इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, इनमें से आपको 4 क्वेश्चंस जो हैं लिखने पड़ते हैं, और ऑल दीज 4 क्वेश्चंस आर ऑफ 50 मार्क्स। तो अराउंड 100 मार्क्स का जो पेपर होता है वो ESI प्लस ERD का होता है। तो इसमें जो अगर वेटेज देख लें ESI की, तो अराउंड 50-60 मार्क्स की जो वेटेज होती है वो ESI की होने वाली, ठीक है? अब बात कर लें प्रीलिम्स और फेज वन में जो क्वेश्चंस रहते हैं ESI के, ठीक है दोस्तों? वो ऑलमोस्ट आपके एज हमारा जो RBI ग्रेड बी का जो पैटर्न रहता है ऑलमोस्ट उससे सिमिलर सा पैटर्न रहता है। इसमें आपके स्टैटिक क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों? ESI की बात कर रहे हैं अपने, स्टैटिक क्वेश्चन भी आने वाले हैं और करंट से क्वेश्चन भी आने वाले हैं। अब करंट में अपने बात कर लें तो क्वेश्चन कहाँ से निकलते हैं, स्कीम से भी निकल जाते हैं, आपके रिपोर्ट से भी निकल जाते हैं, ठीक है? और इसमें ESI की कुछ करंट अफेयर्स रहते हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो आपका स्टैटिक में जो मेंशन है लाइक बजट सेक्टर एक्टर जो भी चीजें हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में, डिस्क्रिप्टिव में जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें 2 क्वेश्चन जो थे आपके स्कीम से पूछे गए थे, तो अराउंड 20-30 नंबर के क्वेश्चन जो थे आपके स्कीम से ही पूछे गए, ठीक है दोस्तों? अब बात कर लें सिलेबस की, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? यहाँ पे जो है मेंशन वो है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का सिलेबस, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू RBI ग्रेड बी का जो एग्जाम होता है उससे कंप्लीटली सिमिलर है, ठीक है? तो दोस्तों, अगर आपने RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन की है तो आप इजिली इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब देख लीजिए अपने सिलेबस देखें तो इसमें देखिए ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है, इन्फ्लेशन, ठीक है, नेशनल इकोनॉमी, इंडिविजुअल इनकम जो कि हमारे पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं RBI ग्रेड बी में, पॉवर्टी आपके RBI ग्रेड बी में मेंशन है, एम्प्लॉयमेंट भी आपके RBI ग्रेड बी में,
एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब पॉपुलेशन ट्रेंड की बात करें तो इसमें SECC की जो रिपोर्ट आती है और सेंसस जो अपनी कंडक्ट होती है हर 10 साल में, उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। दूसरी, इसके बाद एग्रीकल्चर, आपके RBI के रिव्यू में भी यही सेम टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रूरल बैंकिंग, बैंकिंग वहाँ पे हमारे RBI ग्रेड टू में बैंकिंग का एक टॉपिक है और उसमें एक रूरल बैंकिंग है। इसमें कम्प्लीटली रूरल बैंकिंग को सेपरेटली मैंशन किया है, ठीक है दोस्तों। इसमें फिर IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, सोशल जस्टिस, सोशल स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया, ठीक है दोस्तों। अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज, ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, एजुकेशन, एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपके करंट अफेयर्स का ऑलमोस्ट पार्ट रहता है, ठीक है। इसके बाद सोशल मूवमेंट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि अराउंड 80-90% जो आपका सिलेबस है वो RBI ग्रेड बी से कंप्लीटली मैच करता है। बाकी का जो 10% है वो थोड़ा सा करंट अफेयर के साथ कनेक्टेड है, एंड अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपका जो है वो भी सिलेबस कवर हो जाएगा इससे, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लें मेंटर स्पेस की, आपकी हेल्प कैसे करने वाला है मेंटर स्पेस नाबार्ड के लिए। तो दोस्तों हमारी करंटली में दो सीरीज जो चल रही हैं वो है, एक तो स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स की, ठीक है, विच इज ए मेजर मेजर पार्ट, तो आपका मेजर पार्ट है RBI एज वेल एज नाबार्ड के लिए का। तो ये जिस जो भी स्कीम हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी की सारी स्कीम्स जो हैं वो आपके नाबार्ड के लिए भी रेलिवेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आप इन स्कीम्स को नाबार्ड के लिए भी पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हमारा एक ESI करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, ठीक है। ESI करंट अफेयर्स में हम वीकली वीकली बेसिस पर ESI की इंपॉर्टेंट न्यूज दैट आर डिस्कस्ड इन PIB, मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, काफी न्यूज़पेपर में जो हमारे सिलेबस से रेलेवेंट न्यूज रहती हैं दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस ESI करंट अफेयर सीरीज, ठीक है। इसके अलावा सून वी आर गोइंग टू लॉन्च एक ESI स्टैटिक स्पेसिफिक कोर्स, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हम मेंटर स्पेस आपके लिए ESI स्टैटिक स्पेसिफिक कोर्स लेके आए YouTube पे, ठीक है, उसकी वीडियो लेके आए हम ESI की और नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, कि आपको जो है वो वीडियो चाहिए, ठीक है, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@mentorspace.in, ठीक है। तो सून वी विल लॉन्च आफ्टर रिसीविंग ऑल योर मेल्स एंड कमेंट्स, ठीक है, आपके इंटरेस्ट को देखते हुए वी विल लॉन्च ESI की एक स्टैटिक सीरीज जिसमें हम आपको ESI के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं डिटेल में कवर करवाएंगे, ठीक है, जो कि आपके नाबार्ड ग्रेड ए के लिए तो हेल्पफुल होंगे ही होंगे। और उसके बाद जो RBI ग्रेड बी 2024 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए भी वो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी, सिंस जो दोनों का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक कोर्स आपको नाबार्ड ग्रेड ए के लिए मिले, तो सून वी आर गोइंग टू लॉन्च कोर्स ऑन नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन 2023 एग्जामिनेशन, जिसमें वी विल प्रोवाइड यू कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव नॉन स्टैटिक पार्ट फॉर योर RBI नाबार्ड ग्रेड ए 2023 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, आई विल शेयर द लिंक ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम लेके आए तो आप उसको उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को अच्छे से देख पाए, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमारे कोर्सेज को विजिट करना चाहते हैं तो डू विजिट आवर वेबसाइट एट www.mentorspace.in। Whom we are going to launch a course on NABARD Grade A 2023 examination, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन तो आप जरूर हमें मेल कीजिए @info@mentorspace.in, ठीक है दोस्तों। चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन प्रिपेयर हार्ड।